मैट्रिसेस को एक टूल के रूप में जब यूज करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन किए हैं ऐसे, एक मैट्रिक्स ए है, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स को हम एक्स बोल रहे हैं। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी डेटे जीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर। तब उसी स्थिति में एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं हम सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय दैट मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाए यूनिट मैट्रिक्स। मतलब अगर ये मैट्रिक्स सपोज कीजिए ए एन ऑर्डर का है, ए वन वन ए वन एन ए एन वन डॉट 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 ए एन एन, एक एन इंटू एन ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स ढूंढेंगे हम लोग जो यूनिक है, और हर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है उसके लिए एग्जिस्ट करता ही करता है ऐसा मैट्रिक्स, सच दैट हम जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुना करें तो हमको द यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए ऑफ nth ऑर्डर 0 0 0 0। या ये सब ढूंढना है हमको, मतलब क्या ढूंढना है जरा देखिए, इन एलिमेंट्स को हम x11 x12 डॉट 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 x1n xn1 xn2 डॉट डॉट xnn, ये सारा अननोन्स है जो हमको ढूंढना है। मतलब दिस इंटू दिस का वैल्यू वन होना चाहिए, फिर दिस इंटू दिस का वैल्यू जीरो होना चाहिए, फिर दिस इंटू थर्ड कॉलम का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इतना सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई करे ऐसा यूनिक नंबर्स ढूंढना है। ये जो मैट्रिक्स है इन्वर्स मैट्रिक्स, इसको ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि वो इक्वल टू वन बाय डेट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ढूंढ लें, ये रो का जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर्स कॉलम में लिख लें, फर्स्ट कॉलम में सी वन वन सी वन टू सी वन एन, सेकेंड रो का जो एलिमेंट्स है उनका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स सेकेंड कॉलम में लिख लें सी टू वन सी टू टू, इस तरह से। यही है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और उसके हर एलिमेंट को डेटे से डिवाइड करें तो हमको निकल गया ए मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स। ऐसे सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बट एक स्मार्ट तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं इन्वर्स निकालने का किसी मैट्रिक्स का। इस तरीका को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करते हैं हम लोग कि जिस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स यहां लिखे हैं इसी का इन्वर्स निकाल के दिखाते हैं, दो एग्जांपल लिखे हैं दोनों को दिखाते हैं, वन टू थ्री टू फोर फाइव थ्री फाइव सिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम ए है। ए मैट्रिक्स के बगल में एक वर्टिकल लाइन बना के और उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरह से। और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स आई है, बीच में एक पार्टीशन बना के दोनों मैट्रिक्स को अगल बगल लिखते हैं। ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का है, और अब जो मैट्रिक्स लिखे हैं वो 3 बाई 6 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए इज ऑगमेंटेड बाय आई, ऐसा बोलते हैं। मतलब ए के बगल में आई लिखा, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहां पे कोई मैट्रिक्स ए लिख दिए, फोर्थ ऑर्डर का मान लीजिए लिख दिए,
बगल में एक और फोर्थ ऑर्डर का ही मैट्रिक्स अगर लिखे विथ अ पार्टीशन, तो हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ए अगर मैट्रिक्स का नाम है और इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स ए इज ऑगमेंटेड विथ मैट्रिक्स बी। तो जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालना हो, जैसे इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का, तो उसको ऑगमेंट कर दीजिए विथ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये फर्स्ट स्टेप। और अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग को करना है, उनको रो ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। और आइडिया ये है कि उन ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके, अभी बताएंगे कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या क्या चीज अलाउड है, जैसे कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का जब एक्सपेंशन करना होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट का नाम ए है, तो हम इसको एक्सपेंड करने के पहले चाहे तो कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्या क्या रो ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड है, जैसे किसी भी रो में हम ऐड कर सकते हैं किसी भी अन्य रो या रो के मल्टीपल्स से, आर वन प्लस एनी थिंग टाइम्स आर टू प्लस एनी थिंग टाइम्स आर थ्री, ऐसा कर सकते हैं। किसी रो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में एक 1 बाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। किसी भी दो एडजेसेंट रोज को या दो एडजेसेंट कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बगल में एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, हम फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसी के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ अदर रोज, इसको नहीं मल्टीप्लाई किए हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से, तब हमको बाहर में एक 1 बाई एम से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी भी रो में कर सकते हैं और किसी भी कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि ओरिजिनली जो डिटर्मिनेंट देखने में शक्ल लग रहा था, हम ट्रांसफॉर्म करते करते उसके शक्ल को बिल्कुल ही बदल सकते हैं। अब फिर भी हम श्योर हैं कि ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदल रहा है, हम किसी भी स्टेज में जाकर के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम वैल्यू। उसी तरह का कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है यहाँ जो हम करेंगे, थ्रू आउट करेंगे, और लेकिन यहाँ पे केवल रो में ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, कॉलम में नहीं करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पूरे रो में, यहां से लेके वहां तक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अभी बताएंगे, एंड इवेंचुअली उन ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते करते आपको कोशिश ये करना है कि ये वाला साइड जो है पार्टीशन का, लेफ्ट हैंड साइड, वो यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए यूजिंग दोस ट्रांसफॉर्मेशन। और इधर का मैट्रिक्स, चूंकि आप वही ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट कर रहे होंगे, तब इधर का जो मैट्रिक्स है वो सभी बदलता जाएगा, कुछ 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 आ जाएगा। अब इस तरफ जो मैट्रिक्स है वो आई है, उस तरफ जो पार्टीशन के मैट्रिक्स होगा, दैट इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने इवेंचुअली आप स्टार्ट किए थे कि मैट्रिक्स ए वाज ऑगमेंटेड विथ यूनिट मैट्रिक्स, और एंड करेंगे यूजिंग दोज रो ट्रांसफॉर्मेशंस, यूनिट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड विथ मैट्रिक्स जो कि इसका इनवर्स होगा। ये कैसे वर्क कर रहा है ये अभी डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा करने से हमको कैसे मिल जा रहा है इनवर्स मैट्रिक्स, दैट डिस्कशन वी आर नॉट गोइंग टू डू। अभी केवल आपको हम सिखा रहे हैं कि ऐसा करने से आप इनवर्स मैट्रिक्स तक पहुंच जाए, क्या क्या आप कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अलाउड है, मल्टीप्लाई अ रो बाय एनी नंबर, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इस रो को चाहें हाफ से मल्टीप्लाई करना थ्रू आउट कर दीजिए, बाहर में फिर टू से मल्टीप्लाई करना नहीं, ऐसा नहीं करना है।
डिटरमिनेंट में करना पड़ता था कि अगर आप सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म कर दिए, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिए टू से, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अब बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रह जाए तो बाहर में एक हाफ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, पर यहां नहीं करना है। यहां आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट जो कीजिए थ्रू आउट कीजिए। टारगेट याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका मकसद है इवेंचुअली यहां तक पहुंचना। लेफ्ट हैंड साइड पे सारा ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड पे नहीं। तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। दूसरा, किसी भी दो रो को ऐड कर सकते हैं। अब यहां लिखने का जरूरत नहीं था कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन। अगर हम कहें कि फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आर वन माइनस आर टू, इट इज सेम एज आप आर टू को पहले मल्टीप्लाई कर दिए माइनस वन टाइम्स आर टू, तब फिर R1 में उस नए रो को ऐड कर दिए। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोड बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर से, किसी भी दो रो को ऐड कर दीजिए, और किसी भी दो रो को अदला बदली कर दीजिए, जो सब कुछ डिटरमिनेंट में कर सकते हैं। वहां होता था कि हम जब अदला बदली करते थे, अगर यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है, अगर हम इन दोनों को अदला बदली किए तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, नहीं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू बदल जाएगा। यहां वो सब नहीं करना है। सो ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन जो आप डिटरमिनेंट में करते थे वो सब ट्रांसफॉर्मेशन आप यहां कर सकते हैं, लेकिन कॉलम में नहीं कर सकते, सिर्फ रो में। और यहां पहुंचना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। शुरू से प्लान कर लें। तो हम प्लानिंग पहले हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप प्रोसीड कीजिएगा। पहला ध्यान इस एलिमेंट पे हो, यानी यहां पे सबसे पहले वन होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड ध्यान यहां पे दीजिएगा, ये जीरो होना, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको वन बनाएंगे, फिर इसको जीरो, इसको जीरो, फिर इसको वन बनाएंगे, तब इसको जीरो और इसको जीरो बनाएंगे। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और बोल दो, हमारा पहला ध्यान इस पोजिशन पे होना चाहिए, यानी इस पोजीशन पे हमको वन बनाना है सबसे पहले, उसके बाद उसके नीचे जीरो, फिर जीरो, फिर यहां वन जीरो जीरो, तब यहां वन, फिर जीरो जीरो। इसी ऑर्डर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेट्स प्रोसीड नाउ। यहां ऑलरेडी वन है, अगर यहां फाइव होता तो हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते वन बाई फाइव से, या हम फर्स्ट रो में ऐड कर देते माइनस टू टाइम्स सेकेंड रो। अगर यहां फाइव होता तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, रो वन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो वन माइनस टू टाइम्स रो टू, तो फाइव माइनस फोर वन हो जाता, एक विकल्प ये था। या दूसरा विकल्प था कि हम फर्स्ट रो को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे लिखते रो वन बिकम्स 1 by 5 times रो वन। अब सारे एलिमेंट्स को हम 1 by 5 से मल्टीप्लाई, या हम ऐसा करते दोनों में से कोई, अभी हम 1 लिए हैं। तब इस पोजीशन का चिंता नहीं है, अब हमको इस पोजीशन का चिंता है, सेकेंड रो में इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो चलिए, रो 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो 2 माइनस टू टाइम्स रो वन। अब यहां जब वन बन जाए, अब उसी को इस्तेमाल करके यहां जीरो बनाइए, और उसी को इस्तेमाल करके यहां जीरो बनाइए, और रो थ्री को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रो थ्री माइनस थ्री टाइम्स रो वन। फर्स्ट रो को हम कोई चेंज नहीं किए हैं, उसको हम कॉपी कर दे रहे हैं।
सेकेंड रो में चेंज हुआ है, इसको दो से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, 5 - 6 - 1, 0 - 2, 1 - 0, 0 - 6, 3 - 3, 5 - 6, 6 - 9, 0 - 3, 1 - 3 times 0. अब हमारा ध्यान यहां 1 होना चाहिए, यहां। तो हम सोच रहे हैं कि स्वॉप कर लेते हैं। स्वॉप करना मतलब अदला बदली, हम सेकेंड रो और थर्ड रो को अदला बदली कर देते हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो को स्वॉप कर देते हैं। इस तरह का सिंबल 1 - 2 - 3 - 1 - 0 - 0, 0 - 1 - 3 - 3 - 0 - 1, 0 - 1 - 2 - 1। और अब हम इस रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक माइनस साइन से। नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहिए बट हम इसी में लिख रहे हैं। थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई कर दिए माइनस वन से और उसके बाद स्वॉप करते हैं। अब हमको यहां और यहां जीरो जीरो बनाना चाहिए, यहां जीरो ऑलरेडी है, यहां बनाना है। इसी को इस्तेमाल करके जीरो बनाएंगे, यानी फर्स्ट रो में ऐड करेंगे माइनस 2 times दिस रो। ये नहीं चेंज होगा क्योंकि अब ये जीरो जीरो हो चुका है, ये 1 का 1 ही बना रहेगा। अब आपको जो करना है करते रहिए, अगर उसी मैनर में प्रोसीड करेंगे जिस मैनर में हम लोग डिसाइड किए हैं। तो फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो 1 - 2 times रो 2। इस स्वॉपिंग बड़ा अच्छा था, या हम दिस माइनस दिस भी कर सकते थे, तब यहां पे +1 हो जाता। बट ठीक है, आपको बताना जरूरी था हमको कि आपके पास एक विकल्प यह भी है। एक बार में एक ही चीज पे ध्यान देना है, जैसे अभी मेरा सारा ध्यान था कि यहां 1 होना चाहिए, तो हम 0 - -1 करते, दिस माइनस माइनस दिस, या इसको स्वॉप कर लेते हैं। यहां पे अगर -2 भी होता तो भी 1 बनाने के लिए हम इसको स्वॉप कर लेते हैं, और तब हम उस रो को मल्टीप्लाई कर देते -1/2 से। मतलब कोई फिक्स्ड स्टेप नहीं है कि आप यही कीजिए, यह फिक्स्ड है कि आप यहां पे अब इस समय 1 लाना जरूरी है। ये स्टेप को याद रखिएगा, वो मत भूलिएगा। अब 1 वहां कैसे लाएंगे, हम इस रो को स्वॉप करके लाए हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। आप चाहते तो दिस माइनस दिस करके भी ला सकते थे। अब यहां 0 बनाना था, ये कर रहे हैं, तो बाकी दोनों रो को हम लिख दे रहे हैं जस्ट के प्लस। फर्स्ट रो को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो 1 - 2 times रो 2, तो ये 1 ही रह गया, ये 0 हो गया, 3 - 6, 1 - 6, 0, 0 - अब यहां हमको 1 चाहिए, तो इसको खाली माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर। अब यहां और यहां हमको 0 चाहिए, इसके मदद से बनाइएगा 0, नहीं तो सब गड़बड़ाने लग जाएगा। जैसे इसमें हम अब ऐड करेंगे 3 times रो 3, और इसमें ऐड करेंगे -3 times रो 3, बस करते ही अब हमको आंसर आ जाएगा। रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो 1 + 3 times रो 3, और रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है रो 2 - 3 times रो 3।
वन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो वन जीरो, यहां पर लिखते हैं। ये थर्ड रो को कॉपी कर दे रहे हैं, टू माइनस वन जीरो, केवल फर्स्ट और सेकेंड रो को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दिस प्लस थ्री टाइम्स दिस, तो वन होगा, दिस प्लस थ्री टाइम्स दिस, माइनस थ्री होगा और टू होगा, वन माइनस थ्री टू, और इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, जीरो प्लस थ्री और माइनस वन, माइनस थ्री थ्री जीरो। अब ये मैट्रिक्स निश्चित रूप से इन्वर्स मैट्रिक्स होगा ए का। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए को ऑगमेंट करना है विथ यूनिट मैट्रिक्स वन टू वन, माइनस टू वन एट, वन माइनस टू माइनस सिक्स, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। ए को ऑगमेंट कर लिए हैं हम विथ यूनिट मैट्रिक्स। यहां ऑलरेडी वन है तो हमको यहां जीरो और यहां जीरो बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, सेकेंड रो में ऐड करेंगे टू टाइम्स रो वन, और थर्ड रो में माइनस आर वन ऐड करेंगे। फर्स्ट रो को हम कॉपी कर दिए, सेकेंड और थर्ड रो को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे जीरो हो जाएगा, वन प्लस फोर फाइव, एट प्लस टू टेन, टू वन जीरो, और दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो यहां जीरो माइनस फोर माइनस सेवन माइनस वन जीरो वन। हम इस रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं वन बाई फाइव से, तो यहां पे वन हो जाएगा, यहां टू, टू बाई फाइव, वन बाई फाइव। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किए हैं वन बाई फाइव से। इस स्टेप में नहीं लिखना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहिए। और अब यहां जीरो और यहां जीरो बनाएंगे, तो फर्स्ट रो में हम आर वन माइनस टू टाइम्स आर टू, थर्ड रो में आर थ्री प्लस फोर टाइम्स आर टू, तो वन टू वन, वन जीरो जीरो। सेकेंड रो को छोड़ दिए, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म करना है। ये वन है, टू माइनस टू, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर बाई फाइव, जीरो माइनस टू बाई फाइव, यहां इस रो को फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो एट माइनस सेवन, एट बाई फाइव माइनस वन, फोर बाई फाइव, वन। अब दो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक यहां जीरो बनाने के लिए, यहां जीरो बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फर्स्ट रो प्लस थ्री टाइम्स थर्ड रो, और सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेकेंड रो माइनस टू टाइम्स थर्ड रो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। थर्ड रो को कॉपी कर दे रहे हैं, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जीरो वन, अब यहां जीरो हो जाएगा, वन जीरो जीरो। यहां देखें, इसको माइनस दो से मल्टीप्लाई करके
ऐड किए, 2/5 माइनस 6/5 माइनस 4/5, 1/5 माइनस 8/5 माइनस 7/5, 0 माइनस 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, तो 1/5 प्लस 9/5 10/5, माइनस 2/5 प्लस 12/5 10/5, और 0 प्लस 3 बस हो गया। दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलिए अब मैट्रिसेस से संबंधित सब बात समाप्त हो गया, नेक्स्ट क्लास हम लोग सवाल पूछेंगे।